So hello and welcome everyone. This is Sarim Khan and welcome to SK Wonder Kids. If you haven't subscribed to this channel, so please subscribe this channel and press the bell icon so that you'll be getting the notifications of all the new uploads. And please share this video right now and hit the like button. So aaj hum log fir se motion in a straight line. That is from the class 11th syllabus and very important chapter for JEE and NEET. So aaj hum log fir se we are going to resume our motion in a straight line. तो इन माई प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मच ऑफ द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. उसमें हम लोगों ने पहले इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लिया था, व्हाट एक्चुअली इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, आफ्टर दैट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद क्या बचा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, ये पढ़ना है. आफ्टर दैट एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दिस वी हैव टू स्टडी. इसके बाद भी कुछ पॉइंट्स बचे हैं, वी आर लेफ्ट विद सम मोर पॉइंट्स सच एज द ग्राफ, such as speed, read the velocity time graph, position time graph. तो ये सब graph we'll be covering in our later videos. तो और उसके बाद हम लोग अपने kinematics equations of motion भी देखेंगे. तो in today's video we are going to cover those points. So first of all, let's begin with instantaneous velocity and speed. तो if we are talking about instantaneous velocity, suppose मैं बोलता हूँ पहले we have to discuss instantaneous velocity. ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो ये होता क्या है, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सपोज करो यहाँ से यहाँ तक कोई जर्नी हो रही है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कोई जर्नी होती है. ओके, यहाँ से जर्नी हो रही है कितने टाइम में, सपोज कर लो ये पूरा डिस्टेंस है डेल्टा एक्स और कितना टाइम लिया, डेल्टा टी टाइम लिया. लेकिन हम लोग यहाँ पे केयरफुली नोटिस कर सकते हैं ये जो डेल्टा टी है ना, ये पूरा एक टाइम इंटरवल है, दिस इज नॉट एन इंस्टेंट. ये जो डेल्टा टी है ये पूरा टाइम इंटरवल है, दिस इज अ टाइम इंटरवल. ओके, तो ये फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है, पूरी जर्नी के लिए. एवरेज वेलोसिटी क्या, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, यानी सपोज करो कि डिफरेंट इंस्टेंट पे डिफरेंट वेलोसिटीज होंगी. हम लोग एवरेज मैथ्स में पढ़ते कि सारे का, ओके, ऑल द सम वी हैव टू टेक ऑफ ऑल द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हाउ मेनी वेलोसिटी आर देयर. सपोज करो कि यहां तक 2 मीटर पर सेकंड है, यहां पे हो जाते हैं 5 मीटर पर सेकंड, यहां पे 7 मीटर पर सेकंड. तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग यहां पे इसका एवरेज लेते हैं, तो 2 + 5 + 7 डिवाइडेड बाई थ्री, क्योंकि थ्री टर्म्स हैं, सो डिवाइडेड बाई थ्री, तो ये होता है अगेन, सो दिस इज जस्ट 14 डिवाइडेड बाई थ्री एवरेज लेके. तो ये पूरी जर्नी के लिए होता है, अभी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई तो एवरेज वेलोसिटी नहीं बता सकते. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर टेलिंग द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द एंटायर जर्नी, जब तक हमारी जर्नी कंप्लीट नहीं हो जाती. ओके, वी हैव टू मेक श्योर दिस. तो ये जो डेल्टा एक्स है ना, ये पूरी जर्नी का, इट इज़ फॉर द टोटल जर्नी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी अगर हम लोग एक जर्नी जैसे कंप्लीट करते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग मेजर करते हैं, सपोज ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट, लाइन बना दी, जो भी इस लाइन की लेंथ होगी दैट इज़ अवर डिस्प्लेसमेंट. तो डेल्टा एक्स इज फॉर द एंटायर जर्नी, डेल्टा टी भी तो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल. सपोज करो यहाँ पे टी इक्वल्स टू जीरो पे पार्टिकल यहाँ पे था, टी इक्वल्स टू समथिंग सपोज करो टी पे यहाँ पे आया, तो यहाँ पे डेल्टा टी इज फॉर द एंटायर जर्नी, यानी एक इंटरवल है फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक बहुत ही लंबा टाइम ड्यूरेशन होता है डेल्टा टी. देन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, इस केस में हम लोग लिखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, एंड वेयर डेल्टा एक्स इज फॉर द एंटायर जर्नी, डेल्टा टी इज फॉर द एंटायर जर्नी. इसीलिए तो एवरेज वेलोसिटी भी तो पूरी जर्नी के लिए होता है, अभी जर्नी कंप्लीट की नहीं. मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा क्या है वेलोसिटी, तो मैं अभी को उसको एवरेज वेलोसिटी तो नहीं बता सकता, जर्नी कंप्लीट हुई ही नहीं है, तो मैं उसको कौन सी वेलोसिटी बताऊंगा, विच वेलोसिटी आई विल टेल. तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जांपल. ओके, फॉरगेट दिस डेल्टा एक्स एंड डेल्टा टी, अभी को के लिए हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग अब एवरेज वेलोसिटी नहीं पढ़ रहे, वी आर रीडिंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो मैं कहीं से कहीं तक जा रहा, सपोज यहाँ से यहाँ तक जा रहा,
ओके उसके बाद वी आर सिटिंग आई एंड माई वन फ्रेंड आर सिटिंग ऑन अ बाइक। उसके बाद जो मेरा पीछे फ्रेंड बैठा है वो मुझसे पूछता है इस टाइम पे, सपोज जब मैं इस पॉइंट पे पहुंचता हूँ तो डायरेक्टली मेरा फ्रेंड मुझसे पूछ लिया कि अपनी वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज़ माई वेलोसिटी, तो मैं बोलूँगा 5i cap है। 5i cap, सपोज मैं 5i cap इन मीटर पर सेकेंड बोलता हूँ। सिंस i cap j cap एंड k cap वी हैव ऑलरेडी स्टडी, i cap मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ जा रहा, मोशन मेरा कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मोशन है। अगेन बना सकते एक्सिस, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे i cap होता है, यहाँ पे जे कैप होता है एंड यहाँ पे के कैप होता है। इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू पुट द सिम्बल्स, क्योंकि वैक्टर्स, इफ़ यू आर रीडिंग NCERT तो वैक्टर्स तो इसके जस्ट अगले चैप्टर में दिया होगा, दिस इज जस्ट होल पॉइंट ऑफ वैक्टर्स, तो अगर नहीं चाहते तो भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट दिस काइंड ऑफ थिंग। तो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन से कि 5 meter per second इन विच डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन होता है, हम लोग बोलते हैं ये वाला ईस्ट होता है, दिस इज वेस्ट, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, तो 5 meter per second ईस्ट, क्योंकि यहाँ पे स्पीड नहीं पूछी गई है, वी हैव नॉट बीन आस्क्ड द स्पीड, मेरा फ्रेंड मुझसे वेलोसिटी पूछता है, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है, मैंने दे दिया, डायरेक्शन होता है वो भी मैंने दे दिया, दिस इज़ माई कम्प्लीट वेलोसिटी, स्पीड पूछता तो हाँ 5 meter per second, वेलोसिटी पूछा तो 5 meter per second इन ईस्ट डायरेक्शन, यानी ईस्ट वर्ड्स, ओके, या फिर टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सेक्सिस। उसके बाद यहाँ पे इस इंस्टेंट पे पूछो मेरा फ्रेंड, किसी इंस्टेंट पे ही तो पूछेगा, तो यहाँ पे इफ़ यू आर ट्राइंग टू अप्लाई लिमिट्स, हम लोग एवरेज वेलोसिटी क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी लिखते हैं, वेयर टी इज़ फॉर द एंटायर जर्नी, एक बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, टी बहुत ही एक टाइम इंटरवल होता है, तो इसमें इफ़ आई एम ट्राइंग टू पुट दोज दी वैल्यूज इन दिस गिवन इक्वेशन, तो सपोज कर लो यहाँ पे मेरी कोई वेलोसिटी, यहाँ पे एग्जांपल लिए थे, एक्चुअल में इक्वेशन में लिखना है तो इसको सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा, सपोज कर लो मेरी वेलोसिटी वी है, वी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिमिट लगा दूंगा, लिमिट वी नो, लिमिट वी हैव स्टडी, डेल्टा टी एक्सटेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, मैंने ऐसा क्यों किया, वाई डिड आई डू सच, क्योंकि यहाँ पे मैं फोकस कर सकता हूँ, डेल्टा टी पूरे जर्नी के लिए है, दिस इज़ अ लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन, दिस इज़ फॉर द एंटायर जर्नी, इसीलिए मेरा फ्रेंड मुझसे एक इंस्टेंट पे पूछता है, मैं उसे एवरेज वेलोसिटी तो बताऊँगा नहीं, उस टाइम पे क्या वेलोसिटी है वो बताऊँगा, और अगर मैं उसे वो बताना चाहता हूँ तब यहाँ पे हम लोग कंसेंट्रेट करेंगे कि जो है ना हमारा जो डेल्टा टी है ये अब पूरे जर्नी के लिए नहीं रहेगा, बस उस इंस्टेंट के लिए रहेगा, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे डेल्टा टी नियरली जीरो के बराबर होता है, एक नियरली, हाँ जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय जीरो इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल, इन्फिनिट होता है, बट हियर वी कैन नोटिस कि इंस्टेंट पे पूछा गया है, एंड इफ़ इट इज़ आस्क्ड एट इंस्टेंट तो टाइम की वैल्यू, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा उसी इंस्टेंट पे, आई डू नॉट वॉन्ट एनी 1 or 2 more seconds, उसी इंस्टेंट पे कितना टाइम गया व्हेन ही आस्क्ड, तो उस टाइम वेलोसिटी वी है तो डेल्टा टी नियरली जीरो पे एक्सटेंड करेगा, तो मैं लिमिट लगा दूंगा, क्योंकि पहले तो डेल्टा टी था, उसके बाद जीरो पे एक्सटेंड किया, तो आई अप्लाई डी लिमिट, इस टाइम पे वेलोसिटी लिमिट डेल्टा टी एक्सटेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी होगा, ओके, तो अगर डेल्टा टी नियरली जीरो पे जा रहा है तो मैं इसको बहुत ही छोटा सा अमाउंट ऑफ टी लिख सकता हूँ, डेल्टा टी अगर जीरो पे जा रहे हैं तो डेल्टा टी विल ऑब्वियसली बिकम व्हाट, डेल्टा टी विल बिकम डी टी, क्यों डी टी, डी टी मीन्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टी, एक टी का एक बहुत ही छोटा स्ट्राइप, जैसे हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन किया था ना, वी हैव स्टडीड डिफ्रेंशिएशन, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करना व्हाट, इट मीन्स इस मार्कर को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, मीन्स आई एम टेकिंग मीन्स वेरी स्मॉल स्ट्राइप फ्रॉम दिस मार्कर, वैसे डी टी क्या होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टी, तो यहाँ पे डेल्टा टी तो नियरली जीरो जा रहे हैं यानी बहुत छोटा है, तो अगर मैं चाहूँ अभी को लिमिट हटा के इसको क्या लिख सकता हूँ, डी टी लिख सकता हूँ, और जब जैसे ही एज सून एज डेल्टा टी डी टी बनेगा, डेल्टा एक्स भी तो डी एक्स बनेगा,
डेल्टा एक्स भी तो डी एक्स बनेगा, क्यों? क्योंकि बहुत ही छोटे अमाउंट ऑफ टाइम के लिए बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर वी आर कंपेयरिंग दिस विद दिस एंटायर जर्नी, तो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा टी तो डिस्प्लेसमेंट है। जब डेल्टा टी को हम लोग जीरो मान लेते हैं, नियरली जीरो तक पहुँच जाता, तब ये तो बहुत ही छोटी वैल्यू डी टी हो जाती है। तो उस अगर इस डेल्टा एक्स को ओके एट दी डेल्टा टी, डेल्टा एक्स जब डी टी डेल्टा टी पे हम लोग कंपेयर कर रहे थे, और जब ही वही डेल्टा एक्स हम लोग डी टी पे कंपेयर कर रहे हैं, तो इस बार डी टी वाला डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा बन जा रहा है इन कंपेरिजन टू अर्लियर वाला डेल्टा एक्स दैट वॉज एट डेल्टा टी। तो इसीलिए हम लोग को डेल्टा एक्स को भी डी एक्स लिख लेंगे, विल बी राइटिंग इट एज डी एक्स, यानी बहुत छोटा अमाउंट ऑफ एक्स। ये किस फॉर्म का है? Of what form is this? ये dy by dx के form का है। This is of the form dy by dx. तो यहाँ पे dy by dx मतलब होता क्या है? Differentiation of y with respect to x. यानी differentiation of x with respect to t. यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि जो velocity at this instant थी वो dx by dt थी। ओके dx by dt थी, और इसी वेलोसिटी को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसी वेलोसिटी विच इज जस्ट एट एन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी लगी उसी को हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल दिया, इसका नाम दे दिया। सो वंस वी नो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड भी तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेट कर सकते हैं, नेम में भी, नेम में भी हम लोग देख सकते हैं छुपा हुआ है इंस्टेंट, नेम में भी इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंट दिख रहा है, यानी वेलोसिटी विच इज जस्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे, पूरा ड्यूरेशन नहीं है, एक इंस्टेंट पे जो भी किसी पार्टिकल की वेलोसिटी होगी उस काइंड ऑफ वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल देंगे। और यहाँ पे एक्स शुड बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, तो एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हमें उस टाइम की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। सपोज एन एग्जांपल, कोई न्यूमेरिकल सपोज करते, मैं कोई रिलेशन देता हूँ, सपोज आई एम गिविंग एनी रिलेशन कि एक्स कैसे डिपेंड करता है टाइम पे, ओके एक्स कैसे डिपेंड करता है टाइम पे, तो दिस इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सपोज मैं लिखता हूँ 3t² - 2t + t, दिस इज 3t² - 2t + t से डिपेंड करता है, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, xt ये क्या है, एक्चुअल में ये xt है, यानी x एक टाइम का एक फंक्शन है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि फाइंड द वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पे, यानी अगर x टाइम पे ऐसे डिपेंड कर रहा है थ्रू दिस रिलेशन, तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सिंस दिस इज रियली वेरी इजी क्वेश्चन, हम लोग लिखते हैं v इक्वल्स टू dx बाय dt, यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ व्हाट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंसिएशन सिंस x is what 3t² - 2t + t, x yahi to hai 3t² - 2t + t, if you want you can just even bring it more complex, aap chaho to yahan pe ise aur complex kar sakte ho, suppose -2t³ + t, okay this is becoming little more complex, to ab aur bhi maza aayega, to differentiation of 3t² - 2t³ + t ये होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि एक्स और इसकी वैल्यू तो सेम है, तो चाहो तो एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, उस वो तो कर नहीं सकते, तो इस एक्स की जगह इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो कि बहुत इजी है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, पहले तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस करेंगे, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू टी। तो 3t² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 60 होता है, 2 3 6, यहाँ पे पावर 1 बचेगा। 2 - 2t³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? ओके व्हाट इज इट, तो 3 यहाँ पे आएगा, सो दैट विल बी 60² - 60² ओके डन। उसके बाद t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है, सो +1। ऐसे डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये है किस टाइम पे निकालने, 2 सेकंड पे निकालने, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम इज 2 सेकंड्स, अगर हम लोग t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स रखते हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या आएगी? 6 × 2, उसके बाद -6 × 2² +1, ओके ये इतना हुआ, 6 × 2 = 12, 12 - 6 = 24, ये आएगा समथिंग 12 - 24 + 1, पहले तो इसको ही वैल्यूट कर लेते हैं, 12 + 1 = 13,
13 माइनस 24। अभी को इसको इवेल्यूएट कर लो, नेगेटिव वैल्यू ही आएगी, देर विल बी सम नेगेटिव वैल्यू। उसके बाद माइनस 11 मीटर पर सेकेंड, माइनस समथिंग माइनस 11 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। यानी टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी इज सम नेगेटिव वैल्यू। मे बी पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, समटाइम जीरो भी आ सकता है। तो एट सिंस वी कैन सी हियर कि वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स इज नेगेटिव माइनस 11 मीटर पर सेकेंड, अगर एक्स टी पे ऐसे डिपेंड कर रहे हैं। एक्स टी पे कैसे डिपेंड करते हैं, एक्स व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम, इसी पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिपेंड करती है। अगर डिफरेंट रिलेशन दे तो पहले तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, उसके बाद टाइम की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो। ऐसा दिया हो कि एक्स टी इज इक्वल्स टू दिस, उसके बाद फाइंड द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। इसमें तो डायरेक्ट कर सकते 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 2, इसको इसमें तो डायरेक्ट कर सकते। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सिंस अभी हम लोग पढ़े नहीं है, एक्सेलरेशन भी ऐसे जनरली हो सकता है। सो दिस इज हाउ व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यूनिट तो सेम रहेगा, यूनिट क्या है, यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के जितना होगा। उसके बाद डायमेंशनल फार्मूला, अगेन एल टी पर माइनस वन, सब सेम है, बस क्या व्हाट इज द डिफरेंस। यानी एवरेज वेलोसिटी ड्यूरेशन के लिए होता है, वाइल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ओके दैट इज जस्ट फॉर एन इंस्टेंट। एवरेज तो व्हाट इज दैट, फॉर अ टोटल इंटरवल, लेकिन इंस्टेंटेनियस सिर्फ एक इंस्टेंट, बाय द नेम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंट, तो यहाँ पे पता चलता है सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए होता है। सो वी हैव कवर्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड पे मूव करते हैं। ओके, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो हमने कवर कर लिया, अभी को बस इंस्टेंटेनियस स्पीड कवर करना है, वी हैव टू कवर दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड वी हैव टू राइट। तो वंस वी हैव कवर्ड दैट, सो वी कैन ऑल्सो कवर दिस। ओके, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इस बार क्या होता है, नथिंग डिफरेंट, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस समझ लीजिए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी के बीच में इतना ही डिफरेंस है, देयर इज अ वेरी माइनर डिफरेंस कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है, वाइल इंस्टेंटेनियस स्पीड के पास बस मैग्नीट्यूड होता है। उसके बाद उसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ होता है, इसके पास बस मैग्नीट्यूड होता है, बस यही तो है डिफरेंस। सपोज आई एम गिविंग एग्जांपल, वही केस ले लो, मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ विथ माई फ्रेंड सिटिंग बैक ऑन द बाइक। यहाँ से यहाँ अगर मैं जाता हूँ, सपोज कर लीजिए कि कुछ भी है, कुछ भी, एनीथिंग इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। सपोज करो कि डिस्टेंस एस है, टाइम टी लग रहा है, ओके, डिस्टेंस इज एस, टाइम टी, तो यहाँ पे तो टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम हम लोग सिंस पुट करेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी मेरी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी, एक्चुअली एवरेज स्पीड, अगर मैं अपनी एवरेज स्पीड लिखता हूँ, इफ़ आई एम राइटिंग माई एवरेज स्पीड, तो क्या होगा, एस बाई टी होगा, टोटल, टोटल में, ओके। उसके बाद सपोज करिए कि पूरी जर्नी हो ही नहीं रही, अगेन पूरी जर्नी हो ही नहीं रही, बस क्या होता है, मैं अगेन इसी पॉइंट पे आता हूँ, मेरा फ्रेंड जो कि बाइक पे पीछे बैठा है वो मुझसे पूछता है स्पीड क्या है, मैं अगेन वही बोलता हूँ कि 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो यही तो है मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड। वेलोसिटी पढ़ ली है, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे हम लोगों ने पढ़ा 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ये तो था 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ये तो वेलोसिटी हो गई, ओके, दिस वॉज दी वेलोसिटी। लेकिन अगर वही मुझसे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ ले तो मैं इस ईस्ट को हटा दूंगा, क्योंकि स्पीड के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड या डिरेक्शन, सिर्फ मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड या डिरेक्शन, इसमें थर्ड ऑप्शन भी आना चाहिए, ऑल ऑफ द एबव। यानी वेलोसिटी के पास तो मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन भी होता है, इसीलिए मैंने डायरेक्शन भी पिछले एग्जाम्पल में दिया था। लेकिन इस एग्जाम्पल में अगर वही मेरा फ्रेंड मुझसे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछेगा तो मैं बोलूंगा 5 मीटर पर सेकंड ओनली, दिस इज द फाइनल। इफ यू वांट टू राइट फॉर्मूला तो अगेन इसमें अगेन वही करेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन डीटी हो जाएगा, शॉर्ट एंड दैट इज जस्ट वेरी शॉर्ट काइंड ऑफ डिस्टेंस, सपोज डिस्टेंस कवर्ड एस तो डीएस हो जाएगा, डीटी के लिए तो डीएस ही होगा, बिकॉज इफ द टोटल, टोटल सपोज कर लीजिए डेल्टा एस एंड डेल्टा टी है, तो हम लोग अगेन इंस्टेंटेनियस स्पीड, दिस इज द स्पीड,
ओके दिस इज द स्पीड के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट लगाएंगे, अगेन डेल्टा टी एक्सटेंड्स टू जीरो, ओके दिस विल बी एज इट इज डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ऐसे लिमिट लगा देंगे। इसके बाद इसको सिंस डेल्टा टी नियरली जीरो बन रहा है तो इसकी छोटी सी वैल्यू ले लेंगे, मीन्स डी टी। डी टी जैसे इसकी छोटी सी वैल्यू लेंगे तो इसकी भी तो वैल्यू छोटी ही पड़ेगी, जैसे डेल्टा टी बहुत ही छोटा हो जाएगा तो डेल्टा एस भी तो बहुत छोटा होगा, तो इसको भी हम लोग डी एस ले लेंगे। अगेन इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, रिमेंबर दिस इज नॉट वेलोसिटी, एक्चुअल में वी स्पीड का सिंबल होता है, नॉट होता है, एक्चुअली में वी इज द सिंबल ऑफ वेलोसिटी, स्पीड का नहीं होता, आई एम ओनली राइटिंग हियर फॉर शॉर्टकट, ओके। तो एक्चुअल में ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है, बट यू डोंट हैव टू राइट लाइक दिस, आई एम ओनली राइटिंग लाइक दिस इन शॉर्टकट, लेकिन एक्चुअल में ये होता नहीं है, हम लोग को फुल में लिखना पड़ता है, दिस वी ऑलवेज स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी नॉट स्पीड। उसके बाद अगेन स्पीड यानी व्हाट, इट इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगेन लिमिट लगाए वही मिला। इंस्टेंटेनियस स्पीड ऐसे ही तो कैलकुलेट करेंगे, बस डिफरेंस क्या है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड पॉजिटिव रहेगा, जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, वाइल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। सो दैट्स द मेन डिफरेंस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कवर कर लिए, तो फॉर मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कवर हो चुका है। क्या बचा है इन दिस वीडियो, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अब यही बस कवर करना है। तो पहले तो लेट मी रब दिस, ओके तो पहले तो हम लोगों ने ये पॉइंट कवर कर लिए, अब बस एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है, व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो पहले तो एवरेज करेंगे, उसके बाद इंस्टेंटेनियस करेंगे, तो पहले तो क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज एक्सेलरेशन, अगर एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस भी है तो क्या है एक्चुअल में, सिर्फ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम लोग सिर्फ डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। सपोज करिए कि यहाँ से यहाँ पे मेरे पास कोई पार्टिकल है, उसके बाद पार्टिकल क्या होता है, मोशन में है, वेलोसिटी है इसकी कुछ, उसके बाद पर यूनिट टाइम इसकी वेलोसिटी चेंज होती जाती है। सपोज करिए एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी 2 meter per second चेंज हो गई, ओके पॉजिटिव 2 meter per second इंक्रीज कर गए, अगर 2 meter per second डिक्रीज भी करती है तो भी चेंज तो होगी, वेलोसिटी विल बी चेंज्ड। तो इसी किस रेट से चेंज हो रही है, यानी एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ओके दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। डेफिनेशन से बोल सकते हैं, फॉर्मूला एनीवन कैन टेल, अगर डेफिनेशन ये है तो फॉर्मूला भी एक्सेलरेशन का क्या होगा, ये होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि रेट को तो हम लोग टाइम से ही कैलकुलेट करते, रेट इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी अगर फाइनल वेलोसिटी वी है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, टाइम टी में चेंज हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी होगा, दिस इज द एक्सेलरेशन, कुछ नहीं है। इफ़ यू वांट द फाइनल वेलोसिटी, हम लोग फाइनल वेलोसिटी यहाँ से ये लिखते हैं, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, सिंस विल बी ड्राइविंग दिस इक्वेशन नॉट बाय दिस मेथड, याद रखना फ्रॉम दिस मेथड नॉट, इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी ड्राइव करते हैं, एंड इंटीग्रेशन थ्रू इंटीग्रल कैलकुलस भी हम लोग इसको ड्राइव करते हैं, so we'll be trying that in just next videos. तो अभी इस formula की जरूरत नहीं है, बस क्या चाहिए, a equals to v minus u divided by t. Okay, we have got it. This तो ये तो हो गया acceleration. पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि सपोज करिए कि यहाँ से वेलोसिटी, यहाँ से एनी पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, कोई भी वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो वेलोसिटी रख सकते हैं, तो यहाँ पे जाएगा तो सपोज करिए वी रहेगा, तो यहाँ पे भी तो वी रहेगा, यहाँ पे भी तो वी रहेगा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, चेंज थोड़ी ना होगी, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो फाइनल वेलोसिटी भी तो वी है, इनिशियल वेलोसिटी भी तो वी है, ओके तो वी माइनस वी डिवाइडेड बाय टी, तो ये तो जीरो हो गया, वी माइनस वी तो जीरो होते हैं, डिवाइडेड बाय टी तो जीरो होते हैं, तो एक्सेलरेशन कैन बी जीरो, नेगेटिव हो सकता है, सपोज करिए
यहाँ से पार्टिकल जा रहा है, उसके बाद पहले तो 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, उसके बाद यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड हो गए, एक्सेलरेशन क्या होगा? फाइनल 2 हुई माइनस इनिशियल 5 हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में 5 थे बाद में 2 हुई ना, तो माइनस 5 डिवाइडेड बाई, कुछ भी टाइम ले सकते हैं, सपोज एनीथिंग कैन बी टाइम, सपोज 3 सेकेंड में होती है, तो ये हो गया माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, तो माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, हाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, चाहो तो इसको बोल सकते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, यही होता है एक्सेलरेशन का यूनिट, यानी माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, पॉजिटिव हो सकता है, जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है तब पॉजिटिव होगा, डिक्रीज करती है यानी रिटार्ड करती है तब नेगेटिव होगा, अगर कांस्टेंट है तो जीरो होगा। एंड रिमेंबर, जब भी वेलोसिटी, ओके सपोज कि वेलोसिटी हमारी डिक्रीज करती है यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो इस काइंड के नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कैन आल्सो कॉल इट डिसेलरेशन, इसको हम लोग डिसेलरेशन भी बोलते हैं या फिर रिटार्डेशन भी बोलते हैं, वी हैव टू मेक दिस श्योर। यानी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, इसके डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वी माइनस यू डिवाइडेड बाई दैट ऑफ टी, वी माइनस यू का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी पावर माइनस वन माइनस एल टी पावर माइनस वन, ओके डिवाइडेड बाय टी, इसका तो टी होता है, यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेट करेंगे क्या, एल टी पावर माइनस वन माइनस एल टी पावर माइनस वन जीरो नहीं होता है, इट इज़ नॉट जीरो, डायमेंशनली थिंक करें, सपोज करो कि यूनिट से भी थिंक कर रहे हैं तो जीरो नहीं होगा, ये एल टी पावर माइनस वन ही रहेगा, दिस विल बी एल टी पावर माइनस वन, इफ़ यू हैव स्टडीड डायमेंशन तो ईजिली वन कैन डू दिस, डिवाइडेड बाई टी, तो इसको टी को ऊपर भेजेंगे एल टी पावर माइनस टू, यानी डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज एल टी पावर माइनस टू, दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला। उसके बाद यूनिट से ये यूनिट भी ड्राइव कर सकते हैं, बहुत ही ईजी होगा, क्योंकि अगर यूनिट यूनिट में थिंक करें, सपोज मैन थिंकिंग अकॉर्डिंग टू द यूनिट, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का यूनिट, पहले तो फाइनल वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, एसआई चाहिए, वी नीड एन एसआई, माइनस इनिशियल वेलोसिटी का यूनिट भी तो मीटर पर सेकेंड होगा, डिवाइडेड बाई दी सेकेंड, मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर पर सेकेंड जीरो नहीं होता है, मीटर पर सेकेंड ही रहता है, डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई सेकेंड, ये तो नीचे जा रहे हैं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, इसको ऐसे लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, यानी और इसको ऐसे भी लिख सकते हो मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वेयर, ऐसे भी लिख सकते हो, बोथ आर सेम थिंग, चाहो तो ऐसे लिखो मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, या फिर चाहो तो ऐसे लिखो मीटर सेकेंड पर माइनस टू, बोथ आर द इक्वल वैल्यूज, इसको इवैल्यूएट करेंगे तो यही मिलेगा, इसको इवैल्यूएट करेंगे यही मिलेगा, तो बोथ आर इक्वल वैल्यूज, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इट्स यूनिट है, तो दिस वी हैव कवर्ड। इसके बाद बस याद रखना है एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी एक सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, एक्सेलरेशन बस यही होता है कि एक सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, मींस द चेंज इन वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम, इसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सो नाउ दोज थिंग्स वी डू नॉट रिक्वायर, तो एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वी हैव टू कवर, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, बाय नेम एनीवन कैन टेल, अगेन वही तो होते हैं, सिंस सपोज यहाँ से यहाँ तक मैं जा रहा हूँ, वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी टी इक्वल्स टू जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी यू थी, टी इक्वल्स टू टी पे फाइनल वेलोसिटी वी हो गई, तो मैं अपना टोटल एक्सेलरेशन, मैं अपना एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन करूँगा, आई विल डिफाइन माई एवरेज एक्सेलरेशन एज क्या, एज v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, दिस इज फॉर दी एंटायर जर्नी, पूरे जर्नी के लिए एवरेज एक्सेलरेशन होते हैं, एवरेज ऑफ ऑल दी एक्सेलरेशन यही तो होता है, दिस इज सिंपली एवरेज एक्सेलरेशन, बोलो या ना बोलो दिस इज एक्चुअल में एवरेज एक्सेलरेशन, सिंस ऑलरेडी एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड कवर कर ली, यानी ये भी हो चुका है, इट इज़ जस्ट डन, बस नेम से जस्ट पता चलते हैं, दिस इज़ फॉर दी एंटायर जर्नी, ये रिमेंबर टी पूरा इंटरवल है यानी जीरो से टी तक, एक्चुअल में ये टी नहीं है, इट इज़ चेंज इन टी, इट इज़ डेल्टा टी, ये टी माइनस जीरो है क्योंकि टी इक्वल्स टू जीरो पे यहाँ है, टी इक्वल्स टू टी पे यहाँ है, अगर ये माइनस हो रहा है तो ये भी तो माइनस होगा, एंड टी माइनस जीरो का हम लोग सिर्फ टी ही लिखते हैं, वी जस्ट राइट इट एज़ टी।
50, तो दिस इज जस्ट एवरेज एक्सेलरेशन। उसके बाद इसका भी यूनिट सब सेम ही होगा, इसका यूनिट सेम होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। ओके, सो मच डन। उसके बाद वॉट वी हैव टू कंसेंट्रेट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, टू इजी पॉइंट। बस करना क्या है, मिस एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट, एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट। सपोज करो मैं अगेन यहां से यहां तक जा रहा हूं, ओके, उसके बाद यहाँ पे मेरी वेलोसिटी कुछ डीवी हो गई एट द टाइम डीटी, क्योंकि आई राइट सपोज पूरी जर्नी के लिए डेल्टा टी हो गया टाइम, वेलोसिटी डेल्टा वी हो गई। सपोज करिए कि पूरी जर्नी, जब मैं पूरी जर्नी में कवर करता हूँ तो ये कवर करता हूँ डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा वी स्पीड वेलोसिटी से। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ, रिमेंबर, क्योंकि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, स्पीड हुआ यानी रॉन्ग हुआ ऑलवेज, और एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन जरूर होगा, या तो इधर या इधर, या इधर या इधर, कहीं भी होगा लेकिन डायरेक्शन होगा, वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। उसके बाद डेल्टा वी, ओके, इज माय चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा टी इज माय, ओके, टोटल दिस टाइम। मैं लिखूंगा अपने एक्सेलरेशन डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, क्यों डेल्टा लगाया, डेल्टा वी मीन्स व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, या फिर वी माइनस यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहाँ पे टी इक्वल्स टू जीरो सपोज करिए, टी इक्वल्स टू टू सपोज टी सपोज करिए, तो डेल्टा टी खुद ही में टी होगा, बस हम लोगों ने एग्जाम्पल के लिए लिया है सो दैट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस पॉइंट पे मेरा एक्सेलरेशन क्या था मैं पूछूंगा, तो इसके लिए सपोज मैं अपने फ्रेंड से पूछ रहा हूँ इस पॉइंट पे मेरा एक्सेलरेशन क्या है, वो लिमिट लगाएगा, एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट क्या होगा, लिमिट होगा। सिंस ये एक इंस्टेंट है, दिस इज एन इंस्टेंट, यानी डेल्टा टी नियरली जीरो बन जाएगा, डेल्टा टी एक इंस्टेंट है, दिस इज एन इंस्टेंट, और जब ये इंस्टेंट रहेगा तो डायरेक्ट में क्या होगा, उस टाइम पे एक्सेलरेशन, जिस टाइम पे एक्सेलरेशन पूछा गया उस टाइम का टाइम नियरली जीरो बन जाता है, तो लिमिट लगाएंगे डेल्टा टी नियरली एक्सटेंड्स टू जीरो। अगेन ये तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी रहेगा, डेल्टा टी नियरली जीरो बन रहा है, तो इसको हम लोग बहुत ही छोटा सा टाइम डी टी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा सा टाइम टी क्या होता है, डी टी होता है, मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, और जैसे ये डी टी बनेगा ये भी तो डी वी बनेगा, दिस विल बी वॉट, दिस विल बी डी वी, क्योंकि जैसे इफ यू आर ट्राइंग टू कंपेयर, यहाँ पे डेल्टा वी था, यहाँ पे डेल्टा टी था, बहुत ही बड़ा, इट इज़ जस्ट वेरी लार्ज, लेकिन उसके बाद अगर ये डेल्टा टी डी टी बनता है तो डेल्टा वी भी तो डी वी बनेगा, क्योंकि जैसे बहुत ही स्मॉल वैल्यू ले लिया डी वी डी टी की, तो इन कंपैरिजन टू डेल्टा वी ये भी तो बहुत ओके, द वेलोसिटी विल बी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू डेल्टा वी, तो हम लोग इसको भी डी वी लिखेंगे। यहाँ से एक्सेलरेशन मिल रहा है डी वी बाई डी टी, किस फॉर्म का है, अगेन डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म का है, मीन्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दिस इज अवर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और खुद ही में वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए, ओके, इट शुड बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो दिस इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद After that, what is essential, हम लोग देख सकते हैं, there is another formula of acceleration also by which also you can calculate. पहले तो ये formula को अच्छे से समझ लेते हैं, suppose करिए कि x, xt relation is given, कुछ भी 4t square minus 2t plus 1, suppose करिए ये दिया है in SI unit, तो हम लोग को पूछा है कि acceleration of the particle, acceleration of the particle क्या होगा, suppose करिए t equals to कुछ भी seconds, t equals to 5 seconds पे दे दिया है, 5 seconds पे acceleration of the particle calculate करना है, तो कैसे करेंगे, हाउ विल डू, तो acceleration तो dv by dt होता है, तो उसके लिए v चाहिए, v कर सकते हैं, v तो होता है dx by dt, यानी dx by dt क्या है, what is it, differentiation of 4t square minus 2t plus 1 with respect to t, इसका differentiation करते हैं, तो 8t minus 2 आ रहे हैं, 8t minus 2, अभी को इसको differentiate करेंगे with respect to t, again, तो acceleration मिलेगा, acceleration is dv by dt,
यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू टेन, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 8 होगा, यानी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई यूनिट में दिया था, ये भी एसआई यूनिट में रहेगा, तो ये भी एसआई यूनिट में रहेगा। टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स पे पूछा गया था, लेकिन एक्सेलरेशन इस टाइम पे फंक्शन ऑफ टाइम तो है नहीं, यानी एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट रहेगा थ्रू आउट द जर्नी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे तो किसी भी टी इक्वल्स टू 100 सेकेंड, अरे टी इक्वल्स टू 1000 सेकेंड्स भी यहाँ पे कर देंगे तो भी एक्सेलरेशन तो वही रहने वाला है, क्योंकि टाइम पे डिपेंड करता ही नहीं है, एक्सेलरेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम। कभी कभी हो सकता है कि हाँ टाइम पे डिपेंड कर जाए, तो उस केसेस का पता नहीं, यू कैन जस्ट सॉल्व इजली इट्स न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। उसके बाद सपोज यहाँ पे 80 आ रहे, सपोज कर लीजिए, तो 8 × 5, ओके 8 × 5 40 हम लोग कर सकते हैं, यानी 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर होगा, 80 आ रहे, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। ये फार्मूला वी हैव अंडरस्टूड। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आता है ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इज द फाइनल फार्मूला ऑफ द डे। सिंस एक्सेलरेशन हम लोग dv by dt लिखते हैं, इसमें सपोज करिए मैं ऊपर नीचे dx by dx मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, dx by dx, क्योंकि अगर dx by dx मल्टीप्लाई करता हूँ, dx और dx एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे इच इन वन टाइम, तो वन वन मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है सो देर इज़ नो प्रॉब्लम इन मल्टीप्लाई। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, वैल्यू चेंज नहीं हो रहे। इसके बाद क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है, राइट। तो इसको अगर मैं वेलोसिटी लिखता हूँ तो यहाँ से एक्सेलरेशन, इसको वेलोसिटी वी लिख देता हूँ, क्या बचा डी वी बाई डी एक्स, तो वी डी वी बाई डी एक्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है एक्सेलरेशन का, बस ऊपर नीचे डी एक्स बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करो, यहाँ से निकल गया वी डी वी बाई डी एक्स। तो फाइनली हम लोगों ने एक्सेलरेशन के दो फार्मूलाज भी पढ़े, और उसके बाद एक्सेलरेशन के एवरेज एक्सेलरेशन का भी फार्मूला पढ़ा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड सब सेम है, तो ऑलरेडी एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज कवर्ड। और याद रखना कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कभी स्पीड मत कर देना, नेवर ट्राई टू डू इट स्पीड, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जस्ट वेक्टर क्वांटिटी, ओके इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सो मेनली दिस वॉज माई टुडेज टॉपिक बेस्ड ओवर द काइनेमैटिक्स, मीन्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर जेईई एंड जनरली नीट, दैट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ओके सिलेबस ऑफ द फ्रॉम द थर्ड चैप्टर NCERT, okay, that is syllabus of 11. So mainly this was my today's topic. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.